हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को होम कुकिंग चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइए। आज हम बनाएंगे आटे के पेड़े और इसके लिए ना हम चाशनी बनाएंगे ना ही मावा गेरेंगे। फिर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है। ये रेगुलर आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। आप अपने घर की कोई कटोरी कोई कप मेजरमेंट के लिए ले लें। इसको अभी छान के लेना है, जो इसकी गुठलियाँ होंगी वो निकल जाएंगी और छानने के बाद आटा फूला फूला सा हो जाता है, इसलिए हमें छान के लेना है आटा। और इसकी गैस हम बिल्कुल लो रखेंगे। इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसको 6 से 8 मिनट हमें रोस्ट करना है। ये रोस्ट होने स्टार्ट हो गया और इसका हमें भी कलर चेंज करना है। इसका हमें कलर गोल्डन ब्राउन कलर का रखना है। इसको हम लगातार भूनते रहेंगे। इसका कलर चेंज हो रहा है और ये गोल्डन कलर का हो गया, हल्का हल्का गोल्डन कलर का। अब इस टाइम पे हम घी गेरते हैं। यहाँ पे मैं 2 चम्मच देसी घी गेर रही हूँ। इस पर देसी ही घी गेर है, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। इसको करेंगे हम मिक्स। इसको घी के साथ रोस्ट कर लेंगे हम थोड़ी देर, 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए, इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया। इस टाइम पे मैं डालती हूँ 2 चम्मच फिर से घी। अब इसको कर लेंगे हम मिक्स। अब इसको हम 1 से 2 मिनट और भून लेते हैं, इसका थोड़ा कलर और चेंज कर लेंगे। 2 मिनट हो गए और इसका बिल्कुल कलर चेंज हो गया, हमें इसी तरह का चाहिए। अब गैस कर देते हैं हम बंद। इसमें डालते हैं 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। इसको अभी कर लेंगे हम मिक्स। ऐसी गैस हमने कर दी बंद। अब डालते हैं इसमें 4 बड़ी चम्मच मिल्क पाउडर, इससे क्रीमीनेस आ जाती है आटे में। और आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो कंडेंसर मिल्क या खोवा डाल सकते हैं। अब इसको करेंगे मिक्स। आटा हो गया हल्का सा ठंडा। इस टाइम पे डालते हैं जिस कटोरी से हमने आटा लिया, 1 कटोरी, और 1 कटोरी हम पिसी हुई चीनी ले रहे हैं। हमें ज्यादा गर्म में नहीं गिरना, तो पानी छोड़ देगी चीनी और वो हलवा वाला फ्लेवर आ जाएगा। इसे थोड़ी हमें ठंडे में गिरना है। इसको कर लेंगे हम मिक्स। ये मिक्स हो गई। अब इस टाइम पे 2 चम्मच फिर से हम देसी घी गिरते हैं। इसको भी कर लेंगे हम मिक्स। मिक्स हो गया। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 4 बड़ी चम्मच, ये मैंने दूध लिया है घी को बचाते हुए। ये मैंने 2 चम्मच गिर दिया, पहले इसको कर लेंगे मिक्स। 2 चम्मच अभी बाद में गिरेंगे। 2 चम्मच दूध फिर से गिरते हैं। और यहाँ पे दूध आप उबला हुआ या कच्चा दूध कैसा भी ले सकते हैं। इसको भी कर लेंगे मिक्स। ये हमने मिक्स कर लिया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं ये पेड़े के लिए तैयार है या नहीं। थोड़ा सा लेंगे, इसको इस तरह से बांध के देखेंगे। ये बनना है अच्छी तरह से, ये परफेक्ट है। अगर आपको सूखा सूखा हो तो 2 चम्मच घी फिर से गिर लें। और इसको हम प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये हमने प्लेट में निकाल लिया। अब इसके हम पेड़े तैयार करते हैं। यह मिक्सर लेंगे थोड़ा सा। अब इसको हम पहले लड्डू की शेप देंगे, जिस तरह से लड्डू बनाते हैं इस तरह से गोल करेंगे पहले। फिर इसको दोनों हाथों से इस तरह प्रेस कर देंगे और फिर को इस तरह हम शेप देंगे। आप इसको कैसा भी शेप दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं पेड़ा बना रही हूँ, ये देखिए बन गया ना एकदम परफेक्ट पेड़ा। इसी तरह हम सभी को बना लेंगे। ये देखिए मैंने आटा पेड़ा रेडी कर लिया और कितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है। अब मैं इसका एक बार टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अंदर से दानेदार है। आप भी ये ट्राई करें। और ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।